आलसी पहले तो उससे ब्याज जम ले रहा है ज्यादा और अपना जो है बंधक बना रहा है कि भाई माल तुमको जो है मेरे को दोनों चीजें हो गई फ्री में बोले दिया पैसा उसको ब्याज में उसने पैसा भी दिया है और ये भी कर दिया कि भाई माल अपना मेरी मंडी हमारे सरपंच साहब ने भी बड़ी कोशिश करके मंडी लगाया है बड़ी मंडी रोज चलना चाहिए फर्स्ट टाइम लास्ट सीजन में ट्रीट के सीजन में नहीं था ये फर्स्ट टाइम फिर इधर मंडी कितने इंटीरियर में जरूरत है जरूरत है और अभी क्या है कि काइंड ऑफ वो दिस काइंड ऑफ एडहॉक मंडीज की क्या ज्यादा जरूरत है सर अब हम क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं अब हम परमानेंट भी कर रहे हैं हम प्रमोट नहीं यार कटा रहे दे कटा रहे दो ट्रैक्टर पैक करके लगाओ इधर नाल पता की करो वो पखा लगाओ हूँ उठे रोटी नहीं ला लो मनु मेरी वो पखा लाओ ये जैसे कि ये मंडी हो गई लाइक दिस क्लस्टर ऑफ अ मंडीज होगी चार चार मंडीज होगी ग्राम है ग्राम में प्रोड्यूस का लोन हो गया कि भाई यहाँ से 500 के आसपास करीब मतलब जो है क्वेश्चन आ रहा है आपको अगर माल अपना बेंगलोर में भी प्राइस अगर है अगर मान लीजिए 3000 रुपए मिल रहा है आप डायरेक्टली यहीं से बेंगलोर में वो बहुत बढ़िया हो जाएगा तो यहाँ पर अगर 1960 रुपए पे अगर खरीद हो रही है वहाँ पर अगर 3000 रुपए दाम है आप यहीं से ही ट्रक के ट्रक डायरेक्ट भेज दीजिए कोई बीच में चुंगी अच्छा 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 तो आपका क्या है यहाँ पर अभी डायरेक्शन है आपको सर जो भी फार्मर इधर आएगा सबसे पहले अपने पैडी लेके उनकी नया पोर्टल आया करके उसमें उनकी आईडी बनी हो रही तो जो आएगा वो आईडी लेके आएगा अपनी तो हम अपना पेज खोलेंगे पोर्टल में उसकी आईडी एंटर करेंगे एक बार मेरे को जरा जी सत श्री अकाल जी मैं त्रेवा सरपंच बलवीर कौर जिवें तुसी देख सकते हो कि अज असी त्रेवा मंडी विच खड़े हां अज इत्थे सरप्राइज विजिट होया साडे नवीन सर दा नवीन प्रकाश सिंह जी चेयरमैन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस उन्हां दा अज इत्थे सरप्राइज विजिट होया विद द डायरेक्टर डायरेक्टर रीन साहब दे नाल और बड़ा अच्छा लग्या कि अज बॉर्डर ते हर कोई आना पसंद करता बॉर्डर नू देखना हर कोई पसंद करता ए ओ एरियाज ने कि जिन्ना ते कोई आना पसंद नहीं करता सी बट अज हर कोई किसान दी सार लै रहा हर बंदा आके इत्थे पुछ रहा कि मंडी किवें चल रही है ए साडे लई भी सरप्राइज विजिट सी तुसी देखिया ही होगा कि उन्हां दे नाल कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं मतलब बड़ा उन्होंने अच्छा प्रोग्राम जिहड़ा सी ओह कीता और इत्थे आके उन्होंने साडे लई भी सानू भी नहीं पता सी कि उन्हां दी इन्नी हाई पोस्ट आ और उन्होंने दिल्ली तो सीधी मार जिहड़ी मार आ ओह इत्थे कीती आ और बड़ा अच्छा लग्या और मैं सारयां नू कहूंगी कि तुहाडे सारयां लई अज दा दिन बड़ा मुबारक दिन आ कि साडे मिनिस्टर भी जिहड़े आ साडे बॉर्डर ते आंदे आ और असि लोग अज इन्ने खुश हां असि दस नहीं सकदे थैंक यू सो मच मैम जिस तरह से यहां पे डॉक्टर नवीन प्रकाश सिंह जी आए हैं चेयरमैन और उन्होंने आप यहां पे आपकी मंडी को देखा क्या लगता है कि यहां पे जो जितने भी किसान हैं उनको एक उम्मीद जगती है कि हमारी जो भाव है आमदन है वो डबल होगी कि नहीं होगी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है आप आज जो हमारी मीटिंग यूनिवर्सिटी में भी हुई यूनिवर्सिटी आरसपुरा में भी हुई वो इसके रिगार्डिंग ही हुई बासपति के रिगार्डिंग ही हुई इसके भाव के रिगार्डिंग ही हुई कि इसको डबल आमदनी को डबल कैसे किया जाए उसी के रिगार्डिंग आज उन्होंने सारी वहां पे बैठ के मीटिंग करी कि जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है आमदनी दुगनी का वो चौगनी भी हो सकती है बट उसमें कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पीछे चला गया उसको आगे लाना है थोड़ा टाइम लगेगा बट होप सो कि विद इन 2 ईयर ये सारा हम अचीव कर पाएंगे जैसे आज उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे परमानेंट मंडी करने के लिए उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे ये मंडी परमानेंट रहनी चाहिए मैम जिस तरह से 2014 में 7000 भाव था किसानों का बासपति का क्या लगता है कि अब जो इस समय 2021-22 आ रहा है तो क्या लगता है कि किसानों को वो भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई देखिए पहले तो मैं आपको 2014 की बात बोल ही नहीं सकती क्योंकि दैट टाइम मैं यहाँ पे नहीं थी बट आज का जो टाइम है जो मैंने देखा है कि जो बासमती का रेट है ये फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे जाता रहता है इसके लिए भी उन्होंने 100 एकड़ का आपको पता चला होगा चकरोई में एक प्रोजेक्ट चल रहा है 100 एकड़ लैंड में और वहां पे मुझे लगता है कि ये बासमती को प्रमोट करने के लिए ही सब इतनी मेहनत कर रहे हैं